पे कंपनी का ब्रांडिंग से पता चल रहा होगा इस टाइम इतना महंगा हेलमेट हम यूज करेंगे। भाई एक्सार ये एक अपने में ही ब्रांड है, ये काफ़ी कॉस्टली पड़ा मेरे को। ये हेलमेट मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि काफ़ी सारे हेलमेट्स में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है हेलमेट ढीला रहता है तो एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की नई वीडियो पर। अपने माइक का अनबॉक्सिंग कर ही रहा था कि हमारा सेकंड पार्सल आ चुका है, दिखाते हैं कि हमारा क्या आया हुआ है। भाई आपको बॉक्स से ही पता चल रहा होगा और यहाँ पे कंपनी का ब्रांडिंग से पता चल रहा होगा कि क्या है ये चीज़। ये है हमारा एक्सॉर का न्यू हेलमेट, फर्स्ट टाइम इतना महंगा हेलमेट हम यूज़ करेंगे। तो भाई इसको जल्दी जल्दी फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। और ये रहा भाई, काफी हैवी वेट है। इसका जो पैकेज है ना वो बहुत ही तगड़ा है। ओ भाई क्या सही है यार, इसके अंदर भी कुछ है भाई। आप देख सकते हो मैट फिनिश कितना तगड़ा है। और इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था वेगा का, जो कि वो भी बहुत तगड़ा हेलमेट था, बट ये काफ़ी कॉस्टली पड़ा मेरे को। भाई एक्सॉर ये एक अपने में ही ब्रांड है, आप इसका देख ही सकते हो। वाइजर जो इसका वाइट दिए हैं, ये मेरे को ब्लैक चाहिए था, बट अभी आ चुका है तो क्या ही कर सकते हैं। जो इसका साइज़ है वो मीडियम है, मैं लेने गया था शॉप पर तो उस पर मुझे एक्सेल मिल रहा था इसलिए मैंने वो नहीं लिया। ये स्पॉयलर है, इस कॉलर बाद में लगाएंगे। लाइट वेट है और काफ़ी बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी तगड़ा है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्सॉर के ब्रांडिंग, 1600 ग्राम का है और यहाँ पे ISI मार्क मिल जाता है। और आपको सामने से दिखाऊं तो यहाँ पे एक्सॉर का ब्रांडिंग मिल जाता है जो कि बहुत तगड़ा लगता है। और यहाँ पे एयर के लिए है और इधर भी एयर के लिए है। अगर इसको यहाँ पे देख सकते हो आप, स्लाइड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, ये यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें कुछ स्टिकर्स वगैरह हैं जो कि एक्सॉर का है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हेलमेट को पहन कर देखते हैं। इसका स्पॉयलर मेरे को ना काफ़ी मस्त लगा, वो स्पॉयलर लगने पे ना बहुत तगड़ा लगेगा। तो इसको हम ऑन करते हैं। और ये हेलमेट मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि काफ़ी सारे हेलमेट्स में क्या होता है, विंड नॉइज़ नहीं होता है। इसमें एक्सॉर में क्या है देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा पैडिंग है और विंड नॉइज़ जाने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं, आप देख सकते हो, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। और जो इससे पहले मैं वेगा का यूज़ कर रहा था, वो मेरे को मॉडल तो नहीं है ध्यान है कि मॉडल कौन सा है, एक्सॉर एपेक्स मॉडल है इसका। तो इसका जो ये जो पैडिंग है ये मैं देखा था एक भैया के पास था, तो इसलिए मैंने इसको जो है चूज़ किया। तो ये सही है, इसका बहुत सही है क्योंकि मैं वेगा का यूज़ कर रहा था तो वो मेरे को उतना सही नहीं था और उतना कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि वो हील रहा था। और ये जो है ये बिल्कुल भी नहीं हील रहा भाई और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका मैं अभी वॉइज़र, ब्लैक वॉइज़र, दो वॉइज़र है, एक अंदर से है ये जो आपको शो हो रहा है ये, और एक ये वाइट वॉइज़र। और यहाँ पे ना ग्रिपिंग काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी लाइट वेट है, मतलब इतना इस पर हैवी नहीं लग रहा है अपने सर पे कि काफ़ी हैवी लग रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हेलमेट ढीला रहता है तो जब एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस होते हैं तो हेलमेट फेस से निकल के बाहर चला जाता है, बट ऐसा इस पर नहीं होने वाला है क्योंकि ग्रिपिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई जो भी नया हेलमेट परचेज करना चाह रहे हो वो उनको मैं एक्सॉर का अपेक्स मॉडल मैं सजेस्ट करूँगा कि वो इसको परचेज़ करें। हाँ थोड़ा कॉस्टली पड़ता है अपने को,
बट बहुत सही है भाई, इसका वारंटी भी है। आप किस चीज़ की वारंटी है मुझे नहीं मालूम। और इसका जो पैडिंग वगैरह ना वो हम आराम से निकाल सकते हैं और वॉश कर सकते हैं। हाँ, इसको वॉशिंग मशीन पे नहीं धुलना, बट आप हाथ से वॉश कर सकते हो, वॉशेबल है। जो अंदर का ग्रिपिंग है वो 57-58 का है। देखता हूँ नई अनबॉक्स वीडियो कब लाता हूँ मैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं किसी नई नई वीडियो पे। अभी के लिए धन्यवाद। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं। मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का।